हाँ तो कल के दुखद हादसे के कारण आज अपन दोबारा से पढ़ेंगे क्या? एटॉमिक मास, ठीक है। तो जैसा कि कल अपन पढ़ चुके हैं वापस से देख लेते थे, एटॉमिक मास क्या था? मास ऑफ एटम, ठीक है। तो मैंने तुमको बताया था कि एटम के मास की बात सबसे पहले किसने बताई है? जो डाल्टन का पोस्टुलेट है उसमें पोस्टुलेट नंबर 4 एक बार वापस से पढ़ लिया जाए। उसमें क्या बोल रहा है वो कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका अलग अलग मास होता है और उनकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो डाल्टन ने बता दिया कि अलग अलग मास होता है, तो अब क्योंकि मैटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैटर बनता है एटम से, तो एटम के बारे में सारी जानकारी हमको रखना पड़ेगी क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एटॉमिक मास भी हमारे लिए क्या हो गया? इम्पोर्टेंट हो गया। अब एटॉमिक मास हमको जानना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि वो कैसे निकाला जाता है और उसके निकालने के साथ साथ क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में क्या कि एटम कैसा होता है, बहुत बहुत छोटा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटा था वो। सबसे छोटा दुनिया में कौन होता है? एटम ही होता है, ठीक है। और उसमें भी हाइड्रोजन का सबसे छोटा होता है, मतलब सारे एटम ही छोटे हैं पर सबसे छोटा उनमें से भी कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एटम अपन ने देखा था पिछले लेक्चर में कि कितना छोटा होता है। अब वो चीज़ इतनी छोटी है तो उसका वेट भी कितना होगा? बहुत छोटा होगा, बहुत कम होगा। और उसका वेट एक्चुअली में आज के समय में पता है हमको वो कितना होता है। तो अगर अपन बात करें मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम तो वो कितना है? 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। अब वापस से वही वाली बात कि ये जो नंबर है वो बहुत छोटा दिख रहा है कि बहुत बड़ा? कई लोगों को लगता होगा कि 10⁴ तो बड़ी होनी चाहिए, पर वो किसकी पावर है? माइनस की है, इसलिए वो किस में चले जाएगा? अपॉन में चले जाएगा। तो ये जो नंबर है वो कितना छोटा है तुमको समझ में आ रहा होगा। फिर मैंने तुमको कल बताया था, क्या बताया था? कि इस तरीके से आप सारे एटम्स के वेट निकाल सकते हो, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। पर उसमें समस्या क्या थी कि इस तरीके से अगर आप एटॉमिक वेट निकालोगे, एटॉमिक मास निकालोगे, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके निकालते लोगे पर उनको याद रखने में बड़ी दिक्कत आएगी, और याद रखने में दिक्कत आएगी तो फिर हमको कुछ ना कुछ नया तरीका अपनाना पड़ेगा। तो मैंने तुमको क्या बताया था कि उसके लिए हम कौन सा तरीका लेके आए? रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट लेके आए, ठीक है। और उससे हमारा क्या काम होना चाहिए? उससे हमारा एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा, इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा, याद रखना आसान हो जाएगा। तो हमको वही चाहिए, और क्या चाहिए? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। अब हाँ, तो इस तरीके से याद रखना मुश्किल है, तो अब क्या किया? सबसे पहले अपन उसकी बात करते हैं। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब मैंने तुमको कल क्या बताया था कि IUPAC क्या होती है? सबसे बड़ी केमिस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन जो कि सारे नियम वगैरह डिसाइड करती है। अच्छा, IUPAC से पहले एटॉमिक मास क्या करते थे? तो सबसे पहले क्या किया, अब रिलेटिव मास का तुमको मैंने बताया था कि रिलेटिव मास किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा। हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि रिलेटिव डेंसिटी होती है, उसमें क्या देखा था कि डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकाली जा रही है? वाटर के रिस्पेक्ट में। वाटर के रिस्पेक्ट में क्यों निकाली जा रही है? जिससे कि अपन वाटर से कंपेयर कर पाए। अब तुम सोच के बताओ कि वाटर से ही क्यों कंपेयर करना, क्या हम किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो हमने वाटर को रेफरेंस क्यों लिया? अगर किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं इसका मतलब उसको किस में लिया गया है? रेफरेंस में लिया गया है, ठीक है। तो तुम बताओ रिलेटिव डेंसिटी में हमने वाटर को रेफरेंस क्यों लिया? कुछ और भी ले सकते थे, वाटर बहुत कॉमन है, ठीक है, इसीलिए वाटर को रेफरेंस लिया गया। रेफरेंस अगर आप ले रहे हो किसी चीज़ का तो रेफरेंस ऐसा लेना चाहिए जो लोगों को आसान लगे, समझ में आए। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए वाटर को रेफरेंस लिया गया। अब रिलेटिव मास में भी हमको क्या लेना पड़ेगा? किसी को एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में रेफरेंस किसको लिया गया? स्टार्टिंग में रेफरेंस लिया गया हाइड्रोजन को, फिर अभी मैं बताऊंगा कि उसमें क्या दिक्कत आई। फिर उसके बाद लिया गया ऑक्सीजन को, पर फिर IUPAC आई और IUPAC ने बोला कि किसको ले लो? कार्बन 12 को ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन को रेफरेंस लेने में क्या दिक्कत आई थी। तो हाइड्रोजन को रेफरेंस ले सकते हैं, और बात ऐसी है कि ये जो रेफरेंस है वो डिसाइड कौन कर रहा है? हम डिसाइड कर रहे हैं। हमारा मन अगर हो तो हम क्या बोलते हैं
कैल्शियम को भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम को भी ले सकते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब एलिमेंट होते हैं, अपन आगे देखेंगे। तो वो हमारा मन है, पर फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पर हम क्या चाहते हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या काम है, सिंपल बनाना। तो हाइड्रोजन को रेफरेंस लेने से काम चल रहा था, बट उसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि फ्रैक्शनल वैल्यूज आ रही थी। कैसी वैल्यूज आ रही थी, और फ्रैक्शनल तुमको पता है कौन सी होती है, अपॉन वाली। अब तुम ही सोच के बताओ कि अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज आ रही हैं तो हमको क्या वैसी वैल्यूज चाहिए रहेंगी। हम नहीं चाहते ना कि फ्रैक्शनल वैल्यूज हो, हम कैसी चाहते हैं, और सिंपल। और सबसे सिंपल कौन होता है, सबसे सिंपल कौन होता है, होल नंबर। कौन होता है, 0, 1, 2, 3 वाले जो होते हैं वो होल नंबर सबसे सिंपल होते हैं। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज आ रही थी, इसलिए हाइड्रोजन को चाहते तो ले तो सकते थे, पर इसलिए जानबूझ के हटा दिया गया। फिर किसको लिया गया, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को लेने से क्या फ़ायदा हुआ, फ्रैक्शनल वैल्यूज उतनी नहीं आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गया। और ऑक्सीजन को लेने से एक और फ़ायदा था कि ऑक्सीजन एक बेटर रेफरेंस था, क्योंकि ऑक्सीजन बाकी कंपाउंड्स बनाता है काफ़ी सारे, और ऑक्सीजन थोड़ा रिएक्टिव भी है, और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में भी पाया जाता है। इसीलिए क्या बोला गया कि ऑक्सीजन को ले लो, तो इससे हमारी समस्याएं सॉल्व होने लग गई थी, इससे हमारी समस्याएं सॉल्व होने लग गई थी। बट फिर कौन आई, IUPAC, और उन्होंने बोला कि सब छोड़ो, तुम इसको लो, ये बेस्ट है, सब छोड़ो इसको ले लो, ये बेस्ट है। और तब से लेके आज तक कौन चल रहा है, कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब 12 क्या है, यहाँ पे कार्बन का 12 वाला मास वाला एटम। कार्बन के तीन तरीके के एटम पाए जाते हैं, C12, C13 और C14। तो C12 का एटम भी होता है, C13 का भी होता है, C14 का भी होता है, पर सबसे ज्यादा मिलता कौन सा है, C12। इसीलिए उनने क्या बोला कि C12 को तुम क्या मानोगे, रेफरेंस वाला अपना एटम मानोगे। तो जितने भी एटॉमिक मास हम देखने वाले हैं, जो भी हम इस्तेमाल करेंगे, वो किसके रेफरेंस में नापे गए हैं, कार्बन के 12 वाले एटम। अब बताया तो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, नहीं कार्बन सबसे पहली बात तो कार्बन जो है बहुत वर्सेटाइल कंपाउंड है, उसका अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ज़्यादातर मोस्टली ऑर्गेनिक चीज़ें कार्बन से बनी हुई हैं, और कार्बन इतना ज़्यादा पाया जाता है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आगे चल के क्लास 11 से केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ, उसमें तुमको 90% से ज़्यादा चीज़ किसकी दिखेगी, कार्बन की दिखेगी। तो कार्बन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम देखो 11th क्लास से केमिस्ट्री का 1/3 पार्ट आप कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हो, और क्लास 10th में भी कार्बन के ऊपर एक अलग से चैप्टर है। तो तुम सोच सकते हो ना कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट क्यों है वो तुम आगे समझ ही लोगे, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन को लिया गया क्योंकि वो एक बहुत अच्छा रेफरेंस है। अब मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, तो कार्बन 12 का एटॉमिक मास पाया गया कितना, 12 AMU। यहाँ पे AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। पर फिर IUPAC आई और उसने बोला कि एटॉमिक मास यूनिट हटाओ और क्या लिख दो, सिंपली 12U। यू का मतलब है यूनिफाइड मास, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, नहीं। अब क्या, कब क्या हुआ, हाँ, इसका 12U हो गया। अब मैंने तुमको बताया था कि रिलेटिव मास होता है क्या है, किस तरीके से निकालते हैं। तो तुमको याद होगा कल अपन ने एक स्टोरी की बात करी थी, तो उस वाली स्टोरी को वापस से देख लेते हैं। तो जैसे कि क्या बताया था मैंने कि अगर अपने पास एक वेइंग बैलेंस है, ठीक है, एक वेइंग बैलेंस है, और हम एक सब्जी नहीं, फ्रूट वाले के पास जाते हैं और फ्रूट वाले के पास जाके बोलते हैं कि 1 किलो एप्पल कितने का है, वो बोलता है 100 रुपये का 1 किलो एप्पल है। तो तुम बोलते हो कि हमको 1 किलो नहीं चाहिए, हमको कितना चाहिए, 1 एप्पल चाहिए। अब वो बोलेगा कि 1 एप्पल तो ले लोगे, पर मैं इसका वेट कैसे मेजर करूँगा, ठीक है। तो तुमने देखा, तो तुमको एक दिखा वहाँ पे क्या, वाटरमेलन, क्या देखा, और तुमको पता लग गया मान लो, या फिर उसने बता दिया कैसे भी करके, कुल मिला के वाटरमेलन का वजन कितना था मान लो 60 ग्राम था, और यहाँ पे अपन ने क्या रख दिया, एक एप्पल रख दिया, ठीक है, गंदा सा। अब मेरी बात सुनो, अब हमको इस एप्पल का वेट मेजर करना है, ठीक है। तो तुमने क्या किया, आप सुन लो, तो तुमने क्या किया कि वाटरमेलन लिया, उसके 2 बराबर टुकड़े कर दिए, 2 बराबर टुकड़े करके एक टुकड़ा यहाँ पे रख के देखा, और फिर उसको तराजू को ऐसे उठा के देखा, तराजू इधर की तरफ डुल रहा था। अब तराजू इधर की तरफ डुल रहा था, तो तुम यहाँ से क्या रिजल्ट देखोगे कि 30 ग्राम जो है वो किससे ज़्यादा है, अभी एप्पल से ज़्यादा है, इसका मतलब एप्पल का वेट अभी बराबर नहीं हुआ है। तो तुमने क्या किया, फिर तुमने क्या बोलते हैं ये वाटरमेलन लिया, और उसके इस बार कितने टुकड़े कर दिए,
और जो चार टुकड़े होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए। बराबर टुकड़े कर दिए और वापस से रख के देखा तो तुमको पता है कहानी, तो तुमको पता ही है। तो इस बार भी क्या हुआ, जो एप्पल है वो हल्का निकला, तो इस बार भी हमारा काम नहीं चला। तो तुमने क्या सोचा है कि चलो इस बार अपन क्या करते हैं कि इसके 12 टुकड़े कर देते हैं। तो तुमने क्या किया, ये जो वाटरमेलन है इसके तुमने कितने टुकड़े कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ ठीक है, और 2-3 लाइन और बना दो ऐसे करके, कुल मिला के 12 बराबर हिस्से कर लिए। ठीक है, अब 12 बराबर हिस्से कर लिए तो तुमने यहाँ पे कौन सा हिस्सा रखा, 12वां वाला हिस्सा रख दिया। ठीक है, ये तुम्हारी बुक में भी बता रहा है ना, वो 12वां वाला हिस्सा रख दिया और तुमने देखा कि अब ये कैसा हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। तो तुम क्या बोलोगे कि वेट ऑफ एप्पल किसके बराबर आ गया, 1/12 ऑफ वाटरमेलन। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ये जो हमने वेट निकाला है, क्या वो एप्पल का वेट निकाला है या एप्पल का रिलेटिव वेट निकाला है, रिलेटिव वेट निकाला है ना। अगर एप्पल का ही निकालना होता तो हम वो जो तोलने वाली मशीन आती है, जो वेइंग मशीन आती है ना, जिसमें नंबर आ जाता है, वो डायरेक्ट निकाल सकता है ना, तो उस पर निकालते तो वो फिर रिलेटिव नहीं होता। पर यहाँ पे तराजू हमेशा कौन सा वेट निकालता है, रिलेटिव वेट। तो ये जो वेट निकाला है वो अपन ने क्या निकाला, रिलेटिव वेट निकाला। और तुम बोलोगे कि वाटरमेलन कितने का था, 60 का, तो 1/12 × 60 आ जाएगा, तो ये कितने का आ गया, 5 ग्राम का आ गया। बोलो समझ में आ रहा है रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सिंपली इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं, एटम का वेट निकालते हैं। तुम बोलोगे कि अगर कार्बन 12 12 यू का है तो कार्बन 12 का कितना ले लो, 1/12 ले लो, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, वो किसके बराबर आ जाएगा, 1U के बराबर आ जाएगा। और इस तरीके से फिर हम क्या निकाल लेंगे, बाकी सारे एटम्स का वेट निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है तुमको, ठीक है। अब तुम देखोगे तुम्हारी बुक में तुमको एक चीज़ दी गई है कि एक्सपेरिमेंट कर करके पता लगाया गया, क्या पता लगाया गया कि 3 ग्राम कार्बन को 4 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कौन से वाले कंपाउंड में, कार्बन मोनोऑक्साइड, किस में, अगर सी भी कैपिटल का है, ओ भी कैपिटल का है, तो ये CO कोबाल्ट होगा या CO कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, अगर O स्मॉल हो जाता तो ये क्या बन जाता, कोबाल्ट बन जाता। तो तुमको दिखा रहा है ना वो बुक में 3 ग्राम के इस पर कितना लगने वाला है, 4 ग्राम लगने वाला है, बोलो आया ना। अब तुम देखो कि इस वाले एक्सपेरिमेंट से हम ऑक्सीजन का वेट कैसे निकालते हैं, चेक करना, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि कार्बन और ऑक्सीजन, अच्छा अगर 3 ग्राम पे 4 ग्राम फिक्स है, तो हमने पहले तो पढ़ लिया था, किस में पढ़ लिया था, पोस्टुलेट में नहीं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, कि जो बायोमास का प्रोपोर्शन होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ये सबको याद है। अपन ने पानी की बात करी थी तो 1 ग्राम हाइड्रोजन पे 8 ग्राम क्या लग रहा था, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो रेशो होगा वो कैसा होगा, फिक्स होगा। तो अपन ने क्या किया, सी और ओ का रेशो निकाला, तो वो बेटा कितना आ रहा है, 3:4। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, C:O = 3:4। अब मैंने तुमको बताया था कि मैथ्स में अपन इन पे डिवाइड वगैरह भी कर सकते हैं, रेशो में डिवाइड हो जाते हैं, और ये चीज़ तुमको आगे काम भी आएगी, तो सीख लेना। अब यहाँ पे तुम देखो कि 3:4 है, अब हमको किसका चाहिए, हम कार्बन के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाय क्या कर देते हैं, दोनों तरफ करते हैं, तो मैथ्स में दोनों तरफ करना अलाउ रहता है। तो ये कितना आ गया, C:O कितना आ गया है, 1:4/3। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब हमको पता है कि क्या बोलते हैं, 1:4/3 है, और ये एक का, ये एक ये कितना होगा, एक 1U हो गया। अगर इसको बोथ साइड हम किससे मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 12 से, किससे कर दें, तो यहाँ पे ये जो क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, 12:4/3×12, बोलो आया ना। अब ये क्या है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, क्योंकि तुमको फॉर्मूले में दिख रहा है कि एक कार्बन एटम के साथ एक ही ऑक्सीजन का एटम तो आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो अगर लेफ्ट साइड में मास ऑफ 1 कार्बन एटम है, तो राइट साइड में क्या होना चाहिए, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। अब अगर यहाँ पे 12 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3×4 और 4×4 कितना आ गया, और तुम बताओ ऑक्सीजन के एटम का 16U वजन होता है कि नहीं होता, बोलो समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है समझ में। इस तरीके से हमने किसका निकाल लिया, ऑक्सीजन का। अब अगर तुम चाहो तो तुम दूसरे भी निकाल सकते हो मान लो, पर उसके लिए तुमको क्या पता होना चाहिए,
कि कितने ग्राम पे कितना लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा एक कंपाउंड होता है CH4, जिसको कि क्या बोला जाता है, मीथेन। क्या बोला जाता है? मीथेन एक गैस होती है। अब यहां पे तुम देखो, अगर तुमको मैं बोल दूं कि एक्सपेरिमेंट कर करके पता लग चुका है, क्या पता लग चुका है कि 12 ग्राम कार्बन पे क्या लग रहा है, 4 ग्राम हाइड्रोजन, अगर मैं बोल दूं ऐसा, तो क्या अगर हम यहां पे ऑक्सीजन का वेट निकाल सकते हैं, तो क्या यहां से हम हाइड्रोजन का वेट निकाल सकते हैं? एक बार ट्राई करके देख लो, अगर निकाल पा रहे हो तो। वैसे तुमको पता है ना आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब तुम निकाल के देख लो, वैसे निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है। तुम बोलोगे इधर ही देख लो, 12 रेशो कितना आ रहा है, 4, और 12 अगर कार्बन का है तो हाइड्रोजन का कितना होना चाहिए, 4। इधर देख लो, 12 रेशो 4 आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, बोलो आया ना। अब 12 रेशो 4, 12 किसका है, अगर एक कार्बन एटम का 12 यू है तो ये कितने का हो गया, 4। हाइड्रोजन एटम का कितना हो गया, 4 यू, तो एक का कितना हो गया, 1 यू। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए समझ लो, तुमको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो उसने पोस्टुलेट दिया था उसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, सारे एटम्स के एटॉमिक मास। और तुम देख रहे हो सब किसके रिस्पेक्ट में निकाले जा रहे हैं, C12 एटम के रिस्पेक्ट। समझ में आ गई? तो ये एटॉमिक मास खत्म हो चुका है, एक बार कुछ पूछना हो तो पूछो। सिंस डिटरमाइन द मास ऑफ एन वाज़ अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क रिलेटिव एटॉमिक, मैंने वही तो बोला कि देखो, मतलब कि स्टार्टिंग में एटॉमिक मास किसी एक एलिमेंट के, एक एटम का एटॉमिक मास निकालना बहुत टफ था, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का मैंने तुमको बताया कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से बाकी सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालना टफ काम था, इसीलिए हमने सबका अलग अलग निकालने की जगह क्या किया, कार्बन का निकाला और सबका रिलेटिव मास निकाल लिया, तो उससे हमारा काम चल गया। टेबल में देख लो, कुछ एलिमेंट्स के कुछ एटॉमिक मास दिए गए हैं, है ना। इसमें क्लोरीन का 35.5 क्यों होता है, वो अपन अगले चैप्टर में देखेंगे कि क्लोरीन का 35.5 किस तरीके से आता है। और इसमें एक और बात समझ लो कि ये जो एटॉमिक मास दिए हैं वो राउंड ऑफ करके दिए, राउंड ऑफ मतलब कि जैसे ऑक्सीजन का तुमको 16 दिख रहा है, पर ऑक्सीजन का एक्चुअली में अगर तुम देखोगे तो कितना आएगा, 15.99 समथिंग आएगा, ठीक है। तो 16 हम ले सकते हैं डेली लाइफ में, क्योंकि छोटे मोटे राउंड ऑफ हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो याद रखना कि ये भी कोई एग्जैक्ट नहीं है, सारे अप्रोक्सीमेटली में ही है। हाँ हाँ, मतलब ऑलमोस्ट सारे अप्रोक्सीमेटली ही हैं, क्योंकि एक एटम का मास तो बहुत कम ही होता है। इसमें एक चीज और, 1U की वैल्यू दी है क्या, 1U की वैल्यू याद रखने वाली चीज़ है वैसे, तो वो अपन लिख लेते हैं, लिख लो तुम। देखो 1U की वैल्यू लिख लो, 1U होता है 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, और इसी को अगर किलोग्राम में आ गया मान लो गलती से, तो कितना लिख देंगे, −27। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो पता होनी चाहिए, अब हो सकता है इस्तेमाल में आए, हो सकता है ना आए, वो छोड़ो, पता होना चाहिए। तो अगर अपन बोलते हैं, अगर अपन बोलते हैं कि बेटा ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 16, तो वो 16U कितना होगा, तो वो अपन ग्राम में कन्वर्ट करके बता सकते हैं। समझ में आ रही है, क्योंकि हमको पता है 1U में कितना होता है इतना, तो 16U में कितना हो जाएगा वो हम बता सकते हैं, ठीक है। पर इस तरीके से हमारा जो काम था कि हमको एटॉमिक मास क्या करना था, सिंपल करना था, वो हो चुका है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे अपने पास कौन आ चुका है, चलो सुन लो। अब मॉलिक्यूल के बारे में मैंने तुमको क्या बताया कि जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, एटम्स बिल्कुल इंसानों की तरह मान लो अभी अभी के लिए, तो तुमको मैंने बताया था कि एटम जो होते हैं, तो कुछ एटम ऐसे होते हैं कि जिनको किसी की ज़रूरत नहीं है, उनको मोह माया से कोई मतलब नहीं है, वो अपने जीवन में कैसे हैं, मस्त हैं, बिल्कुल किस, बिल्कुल किसकी तरह, साधु संत की तरह। तो वो एटम कौन कौन से हैं बेटा, तो वो हैं हीलियम, नियोन, आर्गन,
ठीक है, इस तरीके से पांच छह होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, तुम अगर पीरियडिक टेबल देखोगे तो पीरियडिक टेबल तुम देखना इस तरीके से, जो उसमें एलिमेंट्स रहते हैं तो सबसे लास्ट में जो यहाँ पे पाए जाएंगे वो ये वाले होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, ये इनको बोला जाता है नोबल एलिमेंट्स, नोबल गैसेस, या फिर हाँ नोबल एलिमेंट, हाँ नोबल गैसेस बोलते हैं। और इनर्ट, इनर्ट होते हैं ये, मतलब कि इनर्ट का मतलब केमिस्ट्री में होता है कि जो कोई रिएक्शन करना नहीं चाहते। इनर्ट का मतलब अगर डेली लाइफ से कंपेयर करें तो इनर्ट का मतलब हो गया साधु संत, जिनको कोई मतलब नहीं की चीज़ें, ठीक है। तो अब बात ऐसी है कि हाँ एटम के बारे में मैंने तुमको क्या बताया कि एटम जो होते हैं वो अपनी नेचुरल स्टेट में अकेले नहीं मिलते। एटम होते हैं रिएक्टिव, एटम कैसे होते हैं रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब है कि वो नेचुरल अकेले नहीं रह पाते, तो वो क्या करते हैं कंबाइन हो जाते हैं। और कंबाइन हो जाते हैं तो जैसे ही एटम का क्या बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया, एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटम की अगर बात हो रही है तो एटम हमेशा कैसा होगा, अकेला होगा। और अगर मॉलिक्यूल आ गया है, मॉलिक्यूल आ गया तो क्या हो चुका है वो कॉम्बिनेशन ऑफ, तो ये तुमको पता होना चाहिए मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम में बात ऐसी है कि कॉम्बिनेशन कई तरीके से हो सकते हैं। तो अगर एलिमेंट का ही कॉम्बिनेशन हो रहा है अपने आप में तो मॉलिक्यूल एलिमेंट का कहलाएगा, और अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एलिमेंट वाले के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो एलिमेंट वाले हैं जैसे तुमने देखे हैं O2, H2, ठीक है, ये सब किसके हैं एलिमेंट वाले हैं, और P4 और S8, इस तरीके से हमको एलिमेंट वाले मिल जाते हैं। कंपाउंड तो तुम देखो कि दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें किससे बनती हैं, कंपाउंड से, SO2, CO2, H2O, ठीक है, C6, H12, O6। यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि अलग अलग एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बन चुका है, कंपाउंड बन चुका है। अब इसमें मैंने तुमको एक और बात बताई थी कि ये जो एलिमेंट वाले होते हैं इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ, उसको क्या बोला जाता है, उनकी एटॉमिसिटी, ठीक है। तो अगर दो एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सेम एलिमेंट के तो वो क्या कहलाएगा, डाईएटॉमिक। तीन एटम सेम एक दूसरे के जुड़े हुए हैं तो वो क्या कहलाएगा, ट्राईएटॉमिक। ट्राईएटॉमिक का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है, तुमने सुना होगा ओजोन लेयर, ओजोन लेयर सुना है तुमने, हया ना बोलो यार। तो ओजोन लेयर जो होती है वो किससे बनी होती है, ऑक्सीजन के 3 एटम से। ओजोन लेयर जो है जिसकी वजह से अपन इस पृथ्वी पे जिंदा बचे हुए हैं, उसका जो क्या बोलते हैं कंपाउंड है वो, उसका सॉरी उसका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है वो तुम देख लो। ओजोन लेयर का काम पता है, नहीं पता, कभी पढ़ी है, ठीक है, तो अब मैं नहीं बता रहा, खुद से पढ़ के आना, कभी कभी थोड़ी मेहनत खुद से भी करो, सब मास्टर के भरोसे नहीं होता। ओजोन लेयर के बारे में पता करके आना कि ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में क्या काम कर रहा है, हमें किन चीज़ों से बचाता है। और तुमने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन लेयर धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो पूरे विश्व के जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं और जितने भी ये UNO वगैरह हैं, UNO नहीं क्या बोलते हैं, ये जो क्लाइमेट वाली जो भी संस्थाएँ होती हैं वो ओजोन लेयर को बचाने में क्यों लगी हुई हैं, ज़रा इसके बारे में सर्च करना, ठीक है। हाँ तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत लग रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत लग रही है? अब यहाँ पे एक और चीज़ समझो, एटम का मास होता है एटॉमिक मास। तो अब बताओ कि अगर एटम का खुद का मास है और एटम मिल मिल के क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल, तो क्या मॉलिक्यूल के पास मास होगा? बिल्कुल होगा, और उसको क्या बोला जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, उसको क्या बोला जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। अब एक बात समझो, जैसे अगर अपन सिंपल सी बात करते हैं CO2 की, किसकी बात करते हैं, तो तुमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन एटम है और 2 क्या है, 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो तुम बोलोगे कि एक कार्बन का सर होता है 12U, एक ऑक्सीजन का होता है 16U और ऐसे कितने हैं 2, इन सबको प्लस कर देंगे तो क्या आना चाहिए इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 32, 12 और 32 कितना हो गया 44,
ये यू को थोड़ा दूर लिख देता हूँ, 44, समझ में आ रहा है। इस तरीके से क्या होता है, अपन मॉलिकुलर वेट भी निकाल सकते हैं। अब अपन और किसका निकालते हैं, पानी का निकाल लेते हैं। तो पानी में हाइड्रोजन का कितना है, एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो दो हाइड्रोजन का दो, तो 2 × H + 1 × तो ये कितना हो गया, 2 × 1 + 1 × 16, तो ये कितना आ गया, कितना आ गया, ये 18U। समझ में आ रहा है। चलो ग्लूकोज का निकालो, कार्बन का तुमको पता है 12U, हाइड्रोजन का तुमको पता है 1U, ऑक्सीजन का तुमको पता है, इसका निकालो फटाफट से। ये तो तुम्हारी हालत है, बताओ। अरे तो पेन से भी इतनी देर में निकाल रहे हो, तो तुम्हारी क्या स्थिति है कैलकुलेशन की, ये तो समझो। इधर देख लो, इसका कितना हो जाएगा, 12×6 = 72 और 12 × 84 = 96 180। तो इसका कितना होता है, 100। बोलो समझ में आ रहा है, दिखाना जरा। चलो फिर आज के लिए इतना ही, कल से अपन आयन पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।